सरायकेला खरसवां पुलिस को रविवार को राज्य भर में डीजीपी के निर्देश पर चलाए गए विशेष ड्राइव में बड़ी सफलता मिली है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर चांडिल इलाके से होकर गुजरने वाले NH-33 पर उरमाल के समीप एक ऑटो में बैठकर जा रहे दो संदिग्ध लोगों की तलाशी के क्रम में उनके पास से एक कार्बाइन, एक देसी कट्टा, 4.9 mm का जिंदा कारतूस, एक 314 बोर की गोली, दो मोबाइल बरामद किया। वही दोनों संदिग्धों का नाम सीताराम सूरी और लाल सिंह महली बताया जा रहा है, जो प्रतिबंध माओवादी संगठन के सदस्य बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया, साथ ही ऑटो भी जब्त कर लिया। बताया जाता है कि पुलिस के समक्ष दोनों ने कई नक्सली घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। दोनों के खिलाफ अड़की, मुरहू और तमाड़ थाने में कई मामले दर्ज होने की बात जिले के SP ने बताई। वैसे जिला पुलिस के लिए इसे बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड की रिपोर्ट। तो चेकिंग के क्रम में हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ नक्सली हाईवे पे चौका क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। उस गुप्त सूचना पे काम करते हुए चौका वहाँ पर ऑटो में दो संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ले ली लोग के, तो उनने उन व्यक्तियों के पास से एक कार्बाइन और एक कट्टा जिंदा गोली के साथ बरामद हुआ। तो ये जो दो व्यक्ति हैं, इनसे जब पूछताछ की गई तो एक सीताराम सूरी, ये साकिन लुम्बई थाना बंदगांव का, और दूसरा लाल सिंह महली, ये साकिन रावो थाना तमाड़ जिला रांची का, दो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति। पूछताछ में पता चला कि ये PLFI का जो दस्ता है, कमांडर दीप नाग, उस दस्ता में ये लोग काम करते थे, और ये बुंडू तमाड़ अर्की मुरहू क्षेत्र में ये लोग एक्टिव थे। इन लोगों को गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है, और इस तरह से दो सक्रिय PLFI के कमांडर गिरफ्तार हैं।